नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाए के, मस्तक धरिया हाथ। श्रवणा शब्द सुनाए के, मस्तक धरिया हाथ। सब धरती कागज करा, कलम करा वन राय, सात समुद्री सई बरा, गुरु गुण लिखा नहीं जाए। बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली संत लक्ष्मीदास जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वक्माल जी श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज अपनी सभा रे मध्य में विराजित महाराज जी संत कल्याण दास जी महाराज, आप श्री संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सो, गुरुदेव री मेहर और दया सो, समस्त राजस्थानी माली समाज कोवूर आप सभी री हार्दिक भावना सो नव दिवसीय नवरात्रा रे ए पावन दिनों में सत्संग श्रवण करने रो आप सब लोगों ने सुंदर अवसर मिलो है। एक बार समस्त माली सैनी समाज कोवूर वास्ते जोरदार ताली बजाओ भाई। आप समाज रा अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी समिति और सभी लोग जो तन मन धन सोई सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रिया है और लाभ ले रिया है साथ ही सेवारो सजनों, आज छठवें दिवसरी सत्संग पावन प्रसंग में अपे प्रवेश ले रिया हाँ। अपे पिछले चार पांच दिन सो 84 बोल सुन रिया हाँ, पर 84 बोल में कितनी महिमा है कि यदि 84 ये बाता कोई धारण कर ले तो वो जीव है जो लग 84 जून रे में वापिस नहीं जावे। समझ गए आप, मेरी लग 84 जूनी रो जो चक्कर है वो सदा सदा रे वास्ते कट जाया करे। ये 84 बोल में इतनी शक्ति है, एक एक शब्द देखो हीरा मोतियारी तरह। आज 84 बोल में है के धन जोबन में छगजे नाही, इतनी बड़ी बात कही व्यक्ति ने, हे मानव तू धन में और जोबन में छगजे नहीं, यानी तू अभिमान मत कर जे धन और जोबन रो। देखो सजनो, मानव तीन चीज रो अभिमान करे है,
पेलो अभिमान करे मानव धनरो अभिमान, जवानी रो अभिमान और परिवार रो अभिमान, ये तीन प्रकार अभिमान, तन रो, धन रो, परिवार रो और पद रो, ये चौथो ये अभिमान है, चार अभिमान है। धन रो अभिमान जैसे कई दफे आदमी रे पास में धन वैयावे तो इतो अहंकार जावे भी में कि जीरी कोई सीमा नहीं, धन में इतो गेलो वैयावे वो राम जीरी भक्ति भूल जावे, अभिमानु बोले और अहंकार मन में रखे, धन रो अहंकार। परमात्मा कह रहे भाई धन रो अहंकार काई करनो, धन आज है कल नहीं, ये ध्यान रख जो सजनो, संसार में पल पल में परिवर्तन है और कोई पतो नहीं चले, राजा कद रंक बन जावे, रंक कद राजा बन जावे। महात्मा के शेर शेर सोनो पैरती मोतियो मरती बार, घड़ी एक जोलो बाजी और घर घर रिपिणिया। राजा हरिश्चंद्री जो रानी तारामती वा सोनो जड़ित रहती, इतो भी रिपेंड ने गेणो गांटो, क्योंकि वो राजा री रानी पैदल पाउंडो नहीं चालती वा, पर सजनो समय आई ना भी दिन बीरे गले में एक सोनेरी चूंक भी नहीं, और काशी नगर रे बाजार में राजा हरिचंद पत्नी तारामती और पुत्र रोहिता सबने बिकनो पड़ियो। तो सजनो जीवन में संकट कद आ जावे, कद धनी निर्धन हो जावे कोई पतो नहीं, तो धन रो अभिमान नहीं करनो, धन है तो धन रे द्वारा धर्म करो भाई, ये धन री सार्थकता है। धन भगवान दियो तो धन रो सदुपयोग करो, धन ने परमार्थ में लगाओ। और दूसरो अभिमान, धन रे बाद अभिमान है जवानी रो, जवानी रो अभिमान रहे कि नहीं रहे, पर सजनो आ जवानी सदा को नहीं रहे, आई याद रख लीजो, बताओ शरीर में बल रहे, शरीर में शक्ति रहे ना, संत महात्मा करे राम भजन कर लो ऐसे कर लो तो बे बाता हूं जी को नहीं देखे, हमेशा ही जवान ही रहूं, नहीं तो बूढ़ो उम्री में मरूं। तो शरीर रो अभिमान भी व्यर्थ है। देखो एक दिन बालक, एक दिन अपने छोटे बालक, एक दिन जवानी आई और वृद्ध लोगा ने पूछो बात जवानी रो बालपणो कट गयो, बताओ पूछ ले गए भाई थे बालक को जवान कद विया कोई तारीख है दांगन है, और जवान बूढ़ा कद विया दोड़ा कद आया कोई तारीख है, जवानी भी सदा नहीं परिवर्तनशील है। जवानी दी है तुम आत्मा के जोबनिया में, मन मारे तो मारिए, संता सेती प्रीत पड़े तो पालिए। अरे हां बाजिंद राम भजन में आठ गले तो गालिए, जवानी अपने पास में है तो जवानी में राम जी रो नाम ले, जवानी में धन कमाई पुरुषार्थ करो, जवानी में है तो सेवा करो बूढ़े बुजुर्गारी, ये जवानी की सार्थकता है। जवानी सदा नहीं रहे। एक समय कहीं यो कि राजा भोज हा देखे घोड़ी माते सवार हुए रिश्ते रिश्ते जा रिया हा, तो बूढ़ी डोकरी ने देखे, बूढ़ी डोकरी ने कहीं वो कमर झुग्गी ऐसे बागेड़ी लियोड़ी चले लकड़ी लियोड़ी, तो राजा भोज भी ने देख और हंसन ने लागे, और भी डोकरी ने पूछे के नीचे नीचे डोकरी तू किनरा जोवे खोज, क्या तुम्हारा चला गया यूं पूछे राजा भोज, के डोकरी थार कहीं गमगो जुग नीचे कहीं नाले तू मजाक करी राजा भोज। डोकरी ज्ञानी ही वा, डोकरी बोले कि मेरे से तेरे गिर उनरा जो खोज, तेरे भी रेसी नहीं सुन रे राजा भोज। हे राजा भोज एक दिन मारी जवानी ही थाला दई, बात जवानी कटगी बिन हो दू, और ध्यान रख जा थारी जवानी सदा कुंड वेला। राजा भोज ने ज्ञान रह गो जवानी सदा नहीं रहे, मोठियारपण हमेशा कुंडे भाई, बताओ आप बुढ़ा बुढ़ा पोवाई जवानी है, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो जवानी है, परमार्थ कार्य करो जवानी है, तो राम जी रो नाम लो
सजनों तीन अवस्था में सबों कोई श्रेष्ठ अवस्था है तो जवानी है। जवानी में आदमी कहीं नहीं कर सके, जवानी में सब कुछ कर सके, जवानी में धन कमा सके, जवानी में सेवा कर सके है। बुढ़ापा में वह है नहीं, वे वृद्धावस्था जाए कुछ नहीं, वे बुढ़ापा में चाली जी नहीं, बोली जी नहीं, शरीर इंद्रियां थक जाए तो जवानी ने व्यर्थ जाने मत दीजो। और जवान हो चुका पूछ लीजो बुढ़िया ने कि जवानी मेरे बुढ़ापा में की तो रात इंद्र फर्क आयो है। अब तीसरा अभिमान है परिवार के, मारे लंबो चौड़ो परिवार है। तो कल उदाहरण दियो राजा रावण रे घणो ही लंबो चौड़ो परिवार हो कौन रियो। चौथो अभिमान है पद रो, तो पद हमेशा कौन रहे, प्रधानमंत्री और चाहे मुख्यमंत्री हो, 5 साल वे न मुख्यमंत्री है, बैंक अभी पद बीच ही जाता रह गई बार। तो पद रो भी अभिमान नहीं करनो, पद रो सदुपयोग करनो। ये चार अहंकार त्याग करो और जीवन में सरल बनो। इरवास्ते महात्मा वाणी में गायो है, महापुरुषारा हीरा मोती जैसा पद साथ साथ बोलो भाई। अरे आसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे, आसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे, आखिर एक दिन जाना रे मालिक रे करे दरबार। अरे अंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे, अंसा थानी आखिर एक दिन जाना रे साहिब रे दरबार, थानी आखिर एक दिन जाना रे साहिब रे दरबार। हरि गर्भवास में दुख पायो जल हरि से दुख पायो जग हरी करी पुकार, पलवर भूला नाई रे बोल वचन किरदार, धने पलवर भूला नाई रे बोल वचन किरदार। हरि हंसा सुंदर कायारो मत करी जो अभिमान रे, आखिर एक दिन जाना रे साहिब रे दरबार, अरे आखिर एक दिन जाना रे साहिब रे दरबार। मारे गर्भ में 9 मास उन्दे मुंह लटके हो रही कॉल करियो भगवान जीवन देव, और आपने पल भर भी नहीं भूला, कौन करियो कॉल बताओ, आपे करियो कॉल, आपा सब करियो कॉल, पर हुयो कहीं है। अरे आकर के संसार में कभी नहीं भजियो राम रे, आकर के संसार में कभी नहीं भजियो राम, अरे तीर्थ व्रत नहीं कीनो रे यो नहीं सुख रत काम, भाई तीर्थ व्रत नहीं कियो रे यो नहीं सुख रत काम, अरे अंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान।
बोलो किने हुनुने वास्ते, किने हुनुने वास्ते बोलो थे लारे बताओ, खुद नहीं सुनानो है और खुद नहीं समझनो है भाई। गाइए अरे कुटुंब कबीलो देखते कर देती ओ मन माय रे, कुटुंब कबीलो देखते कर देती ओ मन माय, अंत समय तू जासी एक लो कोई नया सीता, अरे अंत समय तू जासी एक लो कोई नया बेटा, हंसा सुंदर काया रो मत कर जो अभिमान रे, हंसा सुंदर काया रो मत कर जो अभिमान, खाने आखरी एक दिन जानो रे मन करे दरबार, खाने आखरी एक दिन जानो रे मालिक करे दरबार। अरे वीर सुरतिया के तहे भई आसी थारे तार, अरे वीर सुरतिया के तहे रे आसी थारे पाम, अरे अंसा सुंदर कायारो मत कर जो अभिमान रे, अंसा सुंदर कायारो मत कर जो अभिमान, आखिर एक दिन जाना रे मालिक करे दरबार, थाने आखिर एक दिन जाना रे मालिक करे दरबार। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा लिखे कि अंसा सुंदर कायार और मत कर जियो अभिमान, आखिर थाने जानो रे मालिक रे दरबार। ये अंश इस सुंदर काया रो अहंकार मत कर जे, क्योंकि आखिर ई काया ने छोड़ एक दिन मालिक रे दरबार में जानो है। सुंदर काया रो कैसो अभिमान, इस काया का गर्भ नहीं करिए क्या काला क्या गोरा रे, भक्ति बिना थारे काम नहीं आसी, चाहे इत्र छिड़को चारों ओरा रे। बताओ ये काया रो काई बटी सजनो, कितो ही गोरो रंग है। देखो रंग दो तीन तरह रंग, वे कालो है गोरो है सांवलो है, और एक समय ही जी में जैसे देखो अफ्रीका अमेरिका जैसा देशा में विशेष ते काला गोरा रो जो रंग भेद हुयो एक काल में, और वो नेल्सन का ही मेरो नाम वो मंडेला वंडेला ऐसे बनिया कुछ, यानी कि काला और गोरा रो भेद भी संसारे लोगा में रहो, परमात्मा तो कह दियो रे कि कहीं काया रो गर्भ करनो, ये चमड़ी तो एक दिन राख बनने वाली है, कि तो ही गोरो है शरीर रो कहीं बनी भाई, अंत में राख बनी चांदी कौन बने गोरा रे, और कालो है तो भी रे कोई कुछ नहीं बने, वो तो राख ही बनने वाली है सबरी। और ये काया है भाई, एक ध्यान दे सुन जो ये बात, ये इतो सुंदर शरीर एक दपे एक जगह में गया, ये मारी देखती आखिरी बात है, एक भाई हो जो बहुत सुंदर हो रूपवान, और ये छह सात फुट तो बीरी लंबी हाइट, और एकदम से गोरो, और एकदम रूपवान भी हो वो। अब सजनों कहीं यो के कुछ दिन पहला मिलियो हो, और योग संयोग कुछ दिन बाद में मैं वापिस भी गांव में गया, तो मैं क्यों मारे गुरुजी में साथ था अभी समय, गुरुजी हा शरीर हूं मैं गया बिरूठ है,
गया तो मैं क्यों वो भाई कटे है कि भाई तो अंदर सुतो है, एक दो महीना रो अंतराल हो तो मैं क्यों तो देखा सुतो कहने के महाराज मेरी कुछ तकलीफ है जी। तो सजनों मेरे शरीर की ऐसी हालत ही कि मैं देख नहीं पाया, दो मास में हड्डियां बची, केवल जबाड़ो बाहर निकल गयो, इतो बिरंगो लगने लगियो। वो मैं पूछो काई यो, तो कहो के महाराज इरे कैंसर जैसी बीमारी होगी और दो महीना में शरीर की ये हालत वेगी। वास्तु में ही वो सीन याद आवेर विचारणीय है कि जी गंदी कायारो आप अहंकार करन बेटा, आ कायारो जद बीमारी लगे जद कुछ ही दिनों में इरो कितु काया पलट हो जावे। बताओ कभी अहंकार नहीं करनो, भगवान रो नाम लेनो ही कायारे द्वारा, भगवान री भक्ति करनी, बस इरे वास्ते ही आ काया है वो शरीर है मिलियो है अपने। तो के हे भाई तू आखिर थाने जानो रे मालिक रे दरबार, तो कहे कबीर साहिब के धन रहे नहीं जोबंद रहे, रहे गांव नहीं ठाम, कबीर जग में जस रहर कर ले सुकृत का। धन नहीं रहे अरबरी संपत्ति है, मरा बिद न ठहरे जाए, जवानी है वो नहीं रहे, वृद्धावस्था जाहिर मौत जाए, गांव नहीं रहे, एक दिन मृत्यु हुए भी दिन अपने आटे चेन्नई रा निवासी थोड़ी रहा, बाल दे अपने कोई चेन्नई कोई मारवाड़ कुछ नहीं, अपा तो परलोक में ही चला जा, तो संसार में रहे कहीं पीछे। कबीर जग में जस रेवेला कर ले सुकृत काम, अच्छो कार्य करा तो दुनिया रा लोग शोभा करी, और भगवान री भक्ति कर लेवा तो जैसे संत लिखमी दास जी री पूजा हो रही है, अन्य महात्मा री पूजा हो रही है, ऐसे पूजने हो जाओ संसार। तो जीव ने समझावे कहे जीव गर्भवास में दुख पायो हरि से करी पुकार, पलभर भूला नहीं रे कोल वचन कीर्तन। अब सजनों महात्मा भी दिन ने याद दिलावे, जी दिन ओ जीव परमात्मा गर्भ में कोल करियो, और परमात्मा कोल कहीं करियो के जैसे एक आम व्यक्ति जो मारे गर्भ में कैसे रहे, एक जिल्ली नुमा थैली रहे। आप अल्ट्रा ट्रेक रे द्वारा कभी देख जो, अल्ट्रा ट्रेक रे द्वारा वो देख जावे मारे गर्भ में जैसे बालक है वो की भांति रहे, उल्टो लटके रहे थैली में, और कितना मास, नौ मास। अब सोचो सजनों एक आदमी ने एक गहरे कुएरे महीने नौ मास नौ दिन उल्टो लटकाए दे भी आदमी की कहीं हालत रहे। भाई आपा ने नौ दिन उल्टा लटका दिया है तो कहीं हालत वह है। सजनों अपा एक दिन नौ मास मारे गर्भ में उल्टा लटका रहा है। अबे सब जीव के कौन रिया सब रिया मारे गर्भ में उल्टा लटका रहा है, और भी समय ये जीव परमात्मा पुकार करे विकाल कोठरी में, कहीं पुकार करे हे परमात्मा इन नरक सु बाहर निकालो और संसार में भेजो, आपने एक पल भर भी नहीं भूला, और फिर ही गर्भवासरा दुख में कदे ही नहीं आवा, मैं तो भक्ति कर आप में मिल जावा। देखो सजनों जन्म यो, और जन्म वेते ही बालक सर्वे प्रथम कहीं क्रिया करे, बताओ बताओ। अरे रोवे रोवे क्यों है, अबार थे रोवो तो कोनी भाई, हो रहा हो जन गोंद्रो और अबार दो रही भी वे तो रोवो गोंद्रो, ऐसे अपे भी बालक जन्म वेज तो वो रोतो रोतो आवे, क्यों रोवे वो सोचो आप, क्योंकि वो बहुत गहन दुखों और नरकों आयो है बाहर। सजनों वो आयो है ई कारण भगवान री भक्ति रे वास्ते, पर ये संसारी हवा ऐसी लागे, दादी कहे के पोतो भी हो, नानी कहे दोई तो भी हो, बाप कहे के आज बेटो भी हो, आज तुम्हें बाप बन गो है, आज मैं माँ बन गई, आज मैं भाई बन गो, कोई के आज मैं बुआ बन गई, कोई के आज मैं मासी बन गई, कहीं कहीं कहे है बताओ कितना जना आज जतावे, और ये माया रे जाल में मिन कुलस तो जावे। हरकाराम जी महाराज री वाणी में गर्भ चेतावनी है,
संत हरकाराम जी महाराज री, संत तेजराम जी महाराज री गर्भ चेतावनी है। मैं पूरु बतायो है कि गर्भ में कितना दुख पाया है। अब कोई कहे कि वो दुख याद क्यों नहीं है, तो सजनों जी समय अपनो जन्म लियो ना, भी समय आपने कितनी पीड़ा हुई। कहे कि एक आदमी ने जन्म री समय इतनी पीड़ा वे एक 7000 बिच्छू डंक मारे ना, इतनी पीड़ा वह है जीव ने। और भी पीड़ा में कहीं वे मानव पुरानी स्मृति भूल जावे, पुरानी याद ने भूल जावे। अपे भी भूल गा हा, अरे ये महात्मा अपने याद दिलावे हे प्राणी ये जिंदगी में आयो है तो ऐसो भगवान रो नाम ले ले, परमात्मा रे लोक में चलियो जा, वरना यही तो बार बार जन्मनो और ओई बार बार मरनो। और अब गे तो ये माता मिली, और पतो नहीं 84 में किसी माँ मिली भाई। कहीं अपे कोई कुकरी रे गर्भ में जावाक, सुकरी रे गर्भ में जावाक, बताओ आप। तो सजनों ये महात्मा कहे कि आकर के संसार में नहीं भजियो राम, तीर्थ व्रत नहीं करियो और करियो नहीं सुखरत काम, इस संसार में आया रे बाद में भक्ति नहीं करी। क्यों कि इस संसार रे अल्प सुख ने देकर भूल गो मिनक भी कोल ने। देखो सजनों एक प्रवृत्ति है अपनी, दुख वे ना भी समय अपने राम जी याद आवे। दुख री समय में कौन याद आवे बताओ, हे राम जी करा। हॉस्पिटल में एक आदमी भर्ती वे और बीरो ऑपरेशन वे भी समय बीरी अंतर आत्मा ने पूज्यो, वो किन पुकारे, वो भगवान ने याद करे, हे भगवान मने ठीक कर दो फिर मैं आप रो नाव ले। पर ठीक यारे बाद में बई घोड़ा और बई भाचा मैदान, वो नाम नहीं ले परमात्मा। और ये हजारों लोगों का अनुभव है, दुख में परमात्मा याद आवे, सुख में भूल जावे। पर सजनों कहे संत सगराम, राम ने भूलो की कर, भूलिया बुंडी होई माजनो जासी बीकर, बीकर जासी माजनो और देसी गदारी जून, मोरा पड़सी टाकियां और खांदे लदसी लून चढ़ावे सामो शिकर। कहे संत सगराम, राम जी ने भूलो की कर, ये भूलिया फिर दुर्गति हो जाए। तो सजनों कहने रो भाव ये है, गुरु लोगारी शरण में जाओ, संतासु भक्ति रो भेद पाओ। और अपने मारवाड़ क्षेत्र में ऐसा दिव्य महापुरुष व्याहा जो जीव रे कल्याण री सहज बात बताई, दरियाव जी महाराज जैसी सत्पुरुष व्या बे महापुरुषारी शरण में आओ, मेरी शरण ले, मेरी वाणी जी रा नियमा ने पढ़ो और मेरे अनुसार भगवान री भक्ति करो, तो ये गर्भवास रो दुख है जो सदा सदा रे वास्ते छूट जाए। अन्यत्र कोई उपाय है नहीं भाई। कुटुंब कबीलो देख के गर्भ कियो मनमाई, अंत समय जासी एक लोर कोई नहीं आसी काम। कुटुंब रो अभिमान रहे परिवार, अनिति करने लग जा जीव, अभिमान से जात हैं राज तेज और वंश, तीनों ताला दे दिया रावण कौरव कंस। रावण श्रीलंका रा राजा, कौरव पांडव। अब सजनों ये प्रसंग आयो जद आपने ये बात बताऊं, महाभारत रो पूरो सार में एक ही वाणी में बताऊं आप, ये महाभारत कैसे हुई। महाभारत में दो पक्ष हा, कौरव और पांडव। कौरव किता हा सो, पांडव किता हा पांच भाई। जुआ में ठग विद्या रे द्वारा पांडवों ने हरा दिया और कौरव अतिक्रमण कर लियो अपनो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर माते, और दोनों पक्षों में युद्ध री स्थिति छिड़ गई। एक जमीनी विवाद, आ जमीनी विवाद वेक नहीं वे, वह जगह जगह माते वे जमीन रो विवाद, संपत्ति रो विवाद, जना युद्ध री स्थिति बन गई। जना भगवान कृष्ण पांडवों रे कने आया और पांडवा ने समझाया भगवान
कि पांडव लोगों युद्ध मत करो। तो पांडव क्यों भगवान जो आप रो आदेश वे ही आदेश री पालना करा। मैं कुछ नहीं मांगा, मैं केवल 5 गांव मांगा हा, यानी एक परिधि मांगी कि भाई इतो जगह देओ कि मैं 5 भाई अपनो गुजर बसर कर सका। भगवान कृष्ण बोलिया कि हाँ इति जमींदरा अधिकारी थे हो, बाकी बाकी चाहे थे कौरवा ने दे दो, मैं युद्ध कौन करा। संधि स्थापना रे वास्ते भगवान आया। अब गया भगवान कौरवा का, कौरवा में मुख्य कौन हो? दुर्योधन। दुर्योधन हो जाना। भगवान कृष्ण दुर्योधन रे पास में गया और दुर्योधन ने समझावे के दुर्योधन देखो अपने मध्य में आ संतारी बड़ी भारी कृपा वह रही है भाई, अपने सब माते और राजस्थानी माली समाज को ऊर थामा तो संतारी कृपा गणी है भाई। देखो आज अपने मध्य में निम्बाज राम द्वारा सू परम पूज्य सोन दास जी महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाओ बाप जी महाराज वास्ते। साथ ही आपरे शिष्य मूर्त राम जी महाराज पधारिया है। मैं बाप जी निवेदन करूं कि आज अपने स्थान माते बिराजी तो वो बिराजो बाबा ताली भाषा में कहो भाई। तो देखो सोनदास जी बाप जी पधारिया है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब अपनो ध्यान सत्संगरी तरफ, कहीं बात करता बताओ। कौरवारित करता भगवान कृष्ण कौरवों रे पास में गया और दुर्योधन ने समझावे। दुर्योधन ने दुर्योधन युद्ध मत करो, कहीं बोले दुर्योधन मानो वचन हमारा। 5 गांव पांडवा ने दे दो, 5 गांव पांडवा ने दे दो। हाँ और राज है तुम्हारा दुर्योधन मानो वचन। दक्षिण देश द्रविड नगरी और मरु देश बंगाल, दक्षिण देश द्रविड नगरी और मरु देश बंगाल। गडगिर नारी बैठक दे दो, गड़गिर नारी बैठक दे दो। और राज है तुम्हारो दुर्योधन मानो वचन हमारो। पांच गांव पांडवा ने दे दो, पांच गांव पांडवा ने दे दो। और दुर्योधन मानो वचन हमारो। ऐसे भगवान दुर्योधन ने समझावे, पर दुर्योधन ने अभिमान हो कह रो अभिमान भाया रो अभिमान के सो भाई। और भगवान रे सामी कहीं बोले अरे भूमि नहीं देऊं सुई रे नाके रण संग्राम विचारो। ये भूमि नहीं देऊं सुई रे नाके रण संग्राम विचारो।
बोले के भूमि तो सुईरी नोक टिके उती कुंदू। अरे भगवान बोले रे मूर्ख व्यक्ति ये मत कर। अरे भारत नहीं भलो रे दुर्योधन मन में समझ विचारो ये भारत नहीं भलो रे दुर्योधन मन में समझ विचारो टूक टूक सिर पड़े धरती पर टूक टूक पड़े धरती पर खांडो चले दुधारो खांडो चले दुधारो दुर्योधन मानो वचन हमारो आ पांच गांव पांडवा ने दे दो पांच गांव पांडवा ने दे दो और राज है तुम्हारो दुर्योधन मानो वचन हमारो तब दुर्योधन ऐसे बोलियो कौन कियो पंचारो अरे तब दुर्योधन ऐसे बोलो कौन कियो पंचारो राजनीति रो मन जाने राजनीति रो मन जाने गौ चरावण वालो दुर्योधन मानो वचन हमारो पांच गांव पांडवा ने दे दो पांच गांव पांडवा ने दे दो और राज है तुम्हारो दुर्योधन मानो वचन हमारो अरे मानत नहीं अंदरो जायो हरि को वचन नकारियो सूरदास जद हरियू बोलिया सूरदास जद बोलिया आयो रे काल तुम्हारो आयो रे काल तुम्हारो दुर्योधन मानो वचन हमारो पांच गांव पांडवा ने दे दो पांच गांव पांडवा ने दे दो और राज है तुम्हारो दुर्योधन मानो वचन हमारो बोलो राम जी महाराज की काई बोले भगवान के दुर्योधन मानो वचन हमारो भगवान कृष्ण दुर्योधन ने कहे दुर्योधन मारी बात मान पांच गांव पांडवा ने दे दो और बाकी जगह राज है तुम्हारो आ भाई भाई हो युद्ध करनो ठीक नहीं मी नहीं देऊं सुई रे नाके रण संग्राम विचारो क्षत्रिय कुल रो कोई धर्म कोई जीतो और कोई हारो कहीं बोले के भूमि तो आपके वो पांच गांवरी सुईरी नोक टिके ना उती ही जमीन नहीं देऊं सुईरी नोक टिके उती भगवान बोले भारत नहीं भगवान ने बोले युद्ध कर लो पांडवा ने कह तो लड़ाई कर लो जीत जीकारी जमीन भगवान बोले कि ये भारत नहीं बलो दुर्योधन मन में समझ विचारो टूक टूक सिर कटे धरती पर खांडो चलसी दूधारो हे दुर्योधन युद्ध ठीक नहीं है युद्ध रो परिणाम घातक देखो भाई
युद्ध कभी भी कोई समस्या रो समाधान नहीं, कोई समस्या। आप देखो हो गांवों में कई बार भाई भाई जमीन रे चक्कर में आपस में लड़े, थोड़ी जमीन रे चक्कर में हो आधा बिगो बिगो और युद्ध कर ले, और युद्ध में बच कहीं वह है एक भाई दूसरे भाई रो कत्ल कर दे, मरे जी को तो बहन मर जावे, जिए जी को जेल में सड़े पूरे जीवन भर, और आज जीवन भर ईर्ष्या बात जमी मुंडे बोले बोन जमी तो आप री पड़ी बताओ। मर्जा सी रे मानवी लेसी कणगति तोड़, बानी बन उड़ जाओ सिर ए जमिया रेसी ई ठोड़। मैंने तो बानी बन उड़ जा केरी जमिया है भाई। आज देख लो युद्ध रा परिणाम और अभी अज्ञानता इतनी आवी है आम प्राणी रे माते। युद्ध किताब एरिया है विश्व स्तर मा, देखो आप विश्व स्तर माते इतने भयंकर युद्धारी स्थिति है, एक देश दूसरा देशा माते हमला कर रिया, परिणाम कहीं वे भी रो विनाश, विनाश रे अलावा कोई परिणाम है? कोई परिणाम नहीं है। और हजारों लाखों बेगुनाह जीव मारिया जावे भी युद्ध में, और परमाणु बम बना रिया है, देखो ते के परमाणु बम बनाई दियो सर। अरे ये मान का जन्म परमाणु बम बनाने वास्ते कौन मिलियो है? परमात्मा मिलने वास्ते मिलियो है। परमाणु बम बनावे हिरोशिमा नागासाकी माते वो एक बार बम गिरिया, आज भी बूटे विकलांग बच्चा पैदा हुए। युद्ध सदा घातक है, युद्ध मत करो। कई बार ऐसा आदमी भी आवे के महाराज जमीन मारी है, दूजा हस्तक्षेप कर रिया, कहीं करा बेने होंप दो सारे गाटो कोंदरे वे और बे जिंदगी भरी रोई। यह है, ये सत्य है। युद्ध बुरो है, युद्ध रो परिणाम बुरो। अब भगवान समझावे पर वो मूर्ख आदमी समझे को नहीं, के समझायो समझो नहीं समझायो सो बार, किशन दास जीवड़ो जावसी रे कर्म कमाई लार, जिकारो काल आयोड़ो रे ने वो समझाने वो समझे को नहीं। भगवान बोले ठीक है भाई, भारत ठीक नहीं है, युद्ध ठीक नहीं। दुर्योधन बोले आपने पंचायती कुण बोलाई, कहीं बोले के तब दुर्योधन ऐसे बोलियो कौन क्यों पंचारो राजनीतिरो नेम कौन जाने तू गया चरण वालो। अरे कृष्ण तू तो गया चरण वालो, तू कहीं राजनीति सिखावे, मैं राजा हूं। राजनीति रो तुने नेम पतो नहीं है। भगवान बोलिया आई गो है काल तुम्हारो, हे दुर्योधन थारो काला गयो, अहंकार आते ही काला जावे साथ। ये अहंकार लेडू भी दुर्योधन, अंत में वियो कहीं सजनो पांडवरी विजय भी और कौरव धरनी दूड़ वेगा सो भाई यार पांडव पांचा, क्योंकि जीत हमेशा सत्री वे सजनो, जीत हमेशा धर्मरी वे, अधर्म कदी नहीं जीती हुए आज तक। और ये अहंकार ये बड़ा बड़ा ने डुबो ही दिया है भाई, ये अभिमान ये मारो। अरे इस संसार में अपनो कहीं आ काया अपनी कोनी, आ माया जमी जागा किरी है भाई। काया तेरी है नहीं माया कहां से होई, चरण कमल में ध्यान धरो इन दोनों को खोज। काया ही थारी कोनी माया कटू थारी, अपा अपनी मान बेटा अज्ञान तुम अपनी है नहीं, अपनो मकान है और मकान माते यदि कोई जैसे भी चालगी मकान दुड़गो तो रोवे कुणे मिनक रोवे है, ओ रे मारो मकान दुड़गो मारो मकान दुड़गो, और मिनक मरे जन मकान को अंदर रोवे कदी, मकान के अंदर रोवे बताओ। एक आदमी हो कोई ओ कहीं करियो के एक आंख सु काणो, कहीं कियो एक आंख को काणो, एक आंग काणो हो जना वो जमीन छोड़िया रे बाद में भी जमीन ने प्रणाम करे,
ए जमी माता तू मारे आडी गणी आई, और इतना दिन मैं थारे कने मैं थने बोई, और मारू कोई भूल भी वे तो माफ कर जे। यूं वो जमी ने प्रणाम करे, जमी की ओर काई गेला प्रणाम करे, थार जड़ा जड़ा हजार काना भाई गा मन, और हुसदारी आंदारी गिनती कोनी कोई, तू काई प्रणाम करे। ये जमीन, ये जायदाद, ये संपत्ति अठे रहने वाली है भाई। अपने मकान में रहो, अपने घर जमीन जो भी है भी में रहो, ठीक है। एक व्यवस्था रे तोर माते भाई, माना आ गया पाठ रहा, ये भी बात अलग, पर मन में यही रखना कि ये अपनी नहीं है, ये तो सराय है। और सराय में मुसाफिर दो दिन रुके कौन रुके, ऐसे दो दिन रुकिया। अरे एक वृक्ष रे पक्षी की तरह रहो, एक वृक्ष रो एक पक्षी जो है ना, वो कहीं करे कि रात वेजना वृक्ष रे माते आयर बैठ जाए, वृक्ष रे माते रात आई बैठ गो, सुबह कहीं करे वो सुबह उड़ जावे और रोवे कोनी की ये मारो घर आज ही वृक्ष माते तो कल कोई दूसरे वृक्ष माते। वो अपनो स्थाई निवास भी वृक्ष ने नहीं समझे। सजनो, इस दुनिया ने अपनो स्थाई निवास नहीं समझना है, ये तो सराय है, केवल रैन बसेरो है, कुछ नहीं। ज्ञान दृष्टि सुन दे और कर लो परमात्मा री भक्ति, कर लो भलाई रो काम। ये जमीन जागा संपत्ति पुत्र परिवार कुटुंब अठे ही रहने वाला है सब। और सजनो एक चीज और है, आपने पतो है कि भाई तो कौरव पांडव हार, भाई राम जी लक्ष्मण जी भाई भाई है। कौरव तो कहता जमीन मारी है, पांडव कहता भाई मारो भी अधिकार। महाभारत रा भी ये भाई हार, रामायण रही भाई हार, राम भरत। राम जी कहता कि भरत राज थारो है, मैंने तो पिताजी वनवास दियो, और भरत जी कहीं कहता नहीं नहीं राज रो अधिकार थारो ही है, आप बड़ा हो मैं राज नहीं चाहूं, वो थारो है। राम भरत तो कहता थारो है थारो है, कौरव पांडव कहता मारो है मारो है। मारा कहता जी का मरगा, और जी समय में महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर हो, आज बूटे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है, कई राजा राज करगार मरगा, बा जमीन भी जगह पड़ी है, आज दूजा राज करे है। और जीत का जीवन ने राम भरत जो कहता थारो है थारा में सुख है मारा में दुख है, ये ध्यान दे सुन जो सजनो, मारो है ये दुख थारो है ये सुख। और कितनी समय लगे तू राग भाई और कहीं है, कहने रो भाव ये अहंकार करो मत, अपनो कुछ नहीं है, शरीर अपनो नहीं है, बाकी चीजा तो छोड़ो सजनो। तो करो परमात्मा री भक्ति, कर लो सेवा सुकृत, कुछ नहीं ले आया नहीं साथ ले जावाला। अपने जो पद गाया करे ये क्या ले आयो यार, क्या ले जाएगा संगी कोई नाए फेर पिछताएगा। सपना है संसार रेण रा देखना, अरे हाँ पलटू ये बाजीगर का खेल भण्या सब पेटना।
रेना दो इस जगत सराए में मुसाफिर रेना दो दिन का। अरे क्यों विरथा करे मरो मूर्ख इस धनयुर जो बनता, क्यों विरथा करे मरो मूर्ख इस धनयुर जो बनता। बंदी मुट्ठी आयो जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। क्या लेके आयो रे बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। कहाँ गए बलवान तीन बार धरती खोलना, अरे वो कहाँ गए बलवान तीन बार धरती खोलनिया। यारी एड़ी पड़ती दाग नहीं कोई सामा बोलनिया, यारी एड़ी पड़ती दाग नहीं कोई सामा बोलनिया। सामारे बोलनिया निर्भय डोलनिया, गया रे अकेला फिर नहीं आएगा। दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाए। नहीं बोले जी का कहीं हाथ ले जाओ कहीं की, अरे क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। कोठारी नीम छोड़गा चिनी चिनाई ने, अरे वो गढ़ कोठारी नीम छोड़गा चिनी चिनाई रे। अरे वो मिट्टी रे मिलाई संग में चलिया नी अधेला, चलिया नी अधेला। दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। अरे क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला।
की जिंदगी है दो दिन का मेला। अरे तेरी काया का ये भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, तेरी काया का ये भाग भाग बिन पाया नहीं जाता। अरे कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता, कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। अरे खाया नहीं जाता कैसे हरि गुण गाएगा फिर नहीं आएगा, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। अरे क्या लेके आयो रे बंता क्या लेके जाएगा, दिन का मेला। बोलो राम जी महाराज की। क्या लेके आया बंदार तू क्या लेके जाएगा। अभी रा दो अर्थ वे सजनों, एक अर्थ तो ये है कि भाई क्या लेके आया, यानी अपनो जन्म दियो ना बिदिन आपा को साथ ले आया कहीं कहीं हतो अभी दिन बताओ। ओ मिट्टी रो पुतलो हो ए कपड़ा ही कोनिया ए कपड़ा ही बच पहनिया इरवास ले जेनी साधु तो कह नहीं जरूरत कोनी हेजी हुई यार हेजी हुई जानो, यानी कुछ भी साथ नहीं ले आया कुछ भी, सब बाद में मिलिया। और जावा भी दिन जावा भी दिन ये कपड़ा ऊपर नहीं रखे कणगती भी नहीं रखे, आपने जो कणगती बांधे आपने पतो है। अब तो कहीं टागे भाई अपने शेर में आएगा जन कौन बांधता नहीं दादियां बांधती कि नहीं कंदोरी बांधो जरूरी है कंदोरी बांधनी, कालो कालो वो डोरो बटन कंदोरी बनाती, यानी कि वो कंदोरी भी साथ नहीं रखे सब बाहर निकाल ले कुछ भी साथ नहीं रखे। अब सजनों कुछ भी साथ ले आया को नहीं कुछ साथ नहीं लीजिए वहां तो फिर लड़ाई झगड़ो कह रो है अज्ञानता रो अज्ञान अपने दिल रे अंदर छायड़ो है भी कारणों ये अपनो परायारी भावना बने है मिनट में बताओ आप। अब ज्ञान दृष्टि एक और दृष्टि एक चीज साथ ले आया बंदी मुट्ठी आया मुट्ठी बंद आवे जी जन्म वेता ही एन बालक री मुट्ठी वे ना एन रे कदे भी आप देख ए आती से बंद मुट्ठी क्या रो संकेत है बंद मुट्ठी यानी के कुछ मुट्ठी में है कोई मुट्ठी में कुछ वेजन मुट्ठी बंद रखा तो कई साथ है अपने बंद मुट्ठी में। बंद मुट्ठी प्रतीक है कि मानव जीवन रूपी हीरो ले आयो है साथ में ये हीरो ईमान को साथ मिलियो है सुदुर्लभ जीवन ये बंदी मुट्ठी। अब खाली हाथ नहीं जानो है कुछ ले जानो है कहीं ले जानी है किसी पूंजी साथ चलेला कबीर वो धन संचिए जो आगे को होई गांठ बांध ले जाओ तार में देखा सुनिया नहीं कोई। सात पूंजी चाली भक्ति री पूंजी चाली राम राम री पूंजी चाली सेवा परमार्थ सुकृत री पूंजी साथ चली और परलोक में यही धन काम आए। आप परमार्थ रो कार्य करो आप रे पुन रे खाता में डिपॉजिट हो जाए वो ऑनलाइन वे डिपॉजिट आपने पता है अभी ऑनलाइन जमाना है। ऐसे ही आप सुकृत कर्म कर लियो जैसे आप एक छोटो उदाहरण दूं आप रोटी बनाई घर में और भूखो आदमी आयो और बिन जिमाड़ दी थारे पुनरा खाता में डिपॉजिट हुए गो भाई वो आपने पतो नहीं चले पर पुनरा खाता में चलियो गयो और कोई रो बुरो करियो तो पाप रे खाता में वो पाप जमा वेगो। ये ध्यान रखना है अपन ये जो पूंजी है
ये साथ चले परमार्थरी आप पूंजी साथ ली जा सका पर कैसे ली जाइए जो अभी कोई अटू विदेश कुन कुन गियोड़ा हाथ खड़ा करो भारत छोड़ बार कुन कुन गियोड़ा कोई छोटा मोटा देश में गियोड़ा बोला कोई श्रीलंका गियोड़ा हो गई का सजना गियोड़ा है तो आपने पतो है कि श्रीलंका या अन्य कोई देश में अटू जावे जना अपाली मुद्रा चाले गुनी अभी 500 नोट श्रीलंका में ले जाए दे वो तो कौन चाले अब परदेश में जानो है पूंजी साथ ले जानी है जन करणों का ही पड़े है बिने बदलानी पड़े चेंज या करे बैंक के द्वारा चेंज वे 18 पूंजी देवो और 18 पूंजी ले वो ये पूंजी साथ नहीं चले परदेश में भी सजनों पूंजी है जो बैंक में डिपॉजिट कराते ही आगे देश में मिल जाए अभी परमार्थरे लेखे लगाओ और शरीर छुट्टियां रे बाद में अगली जूनी में वो अपने खाता में जमा हो जाए और कोई कह दे महाराज मारे तो कोई फांसी पूंजियां लेनी कोई खाता तो बंद करनो ही खाता ने तो राम जी रा नाम ले ओ, रात और दिन अहमदा खाता ही फिरी भेजा कोई जन्मनो और कोई मरणो मुक्त आज आविधि भी है तो सजनो उदाहरण देख वो कहां गए बलवान तीन बार धरती तोलनिया ऐरी पड़ती धाक नहीं हम ही बोलनिया एड़ा एड़ा राजा जारा राज देखो आप राजा रा गढ़ कोट किला देखो तो अकल काम नहीं करे भी काल में इतना महंगा महल बनियोड़ा इतनी सुंदर कला करती एक समय एक महल में मैं गयो तो उठे देखियो ऐसा सुंदर जरोका के ए जरोका में कहीं अटे रानिया जो देखती खड़ी रहती ए कहीं अटे राजा साहब विराजता ए इतना बड़ा कुंड केना के राजा रानी स्नान करता इतना रियासी ठाट बाट अबे राजा कट गया भाई तुम आत्मा कहे के यदि वो राजा परमात्मा री भक्ति करी जत तो मेरो कल्याण वेगो जैसे अनेकों राजा भी आ राजा अम्बरीश राजा अम्बरीश राजा जनक राजा खटदलीप राजा जयमल इत्यादि भक्तमाल में राजा रो रे कावे के राज करता नीतियों धर्म रे साथ और परमात्मा री भक्ति करी एरो कल्याण भी हो अन्य राजा राज करी और अनीति करी शरीर छुट्टियां रे बाद में गद्दारी जूनी मिली ये स्थिति भी राजा री कबीर एक घर की भक्ति बिना राजा रसब होई माटी लदे कुमार की जाने घास नहीं राले कोई ये राजा री स्थिति वे अंत में तो दो दिन रो राज कबीर साहब कहो कि ये राज ने मैं तरण रे समान समझू ये राजपाट कोई काम रो है ही नहीं भक्ति बिना और वो रानी जो पर्दो राखती सोना चांदी गेना गांटा पहरती और भगवान री भक्ति नहीं करी वी रानी री कहीं गति भी कबीर हर की भक्ति बिना रानी कुकरी होई गली गली वो घुसती फिरेर जाने टुकड़ा नहीं राले कोई ये रानी री स्थिति गुरु नानक देव या पंजाब में गुरु नानक देव जिस समय धर्म प्रचार में रवाने व्या तो धर्म प्रचार करते करते अरब देशा में वो गया अरब देश में गया तो कहीं यो के बारिश रा दिन हा छांटा पड़ती ही ठंडी हवा बाजती ही गुरु नानक देव और साथ चेलो मर्दाना हो जना एक मेल हो जैसे मेल रा छाजारे नीचे एक गद्दी खड़ी और मड़ियल सी गद्दी आंख्या में पानी आ रही हो जैसे कई बार पशुआन देखो आप गाय रे आंख्या में आंसू आवे ऐसे वो भी रे आंख्या में आंसू आ रही हार खड़ी ही ठंड सु ठिठुर रही भी जीव ने देखे जना गुरु नानक देव ने हंसी आवे तो वो शिष्य मर्दाना कहे कि गुरु जी आप हंसो क्यों आ जीव ने देख तो रोनो चाहिए ये जीव कितो दुख पावे के रो कहीं रे मर्दाना ये जीवरी गति देख हंसी आवे के क्यों के जी मैल रे छजारे नीचे ये गद्दी खड़ी है ये पहले जन्म में ई बाद सारी उर्मा ही यानी ये राजा री रानी ही एक दिन तो आ दुर्गति क्यों हुई के मर्दाना
ये भगवान री भक्ति नहीं करी, केवल सुंदर वस्त्र पहनती, अच्छा खाना भोजन करती और संसारिक भोग ऐसा आराम करती, पर भगवान री ये भक्ति नहीं करी, ये नहीं अपने बुढ़ी सासुरी सेवा करी, नहीं भूखा ने रोटी दीवी, आज इरी ये दुर्गति है। और यही दुर्गति भक्ति बिना अपनी वेला, अरे वे राजा रा नाम निशान नहीं, अरे वे गरीब परिवार में जन्मिया, भगत नामदेव जी, भगत रैदास जी, संत कबीर साहब, बे सतपुरुषा ने याद करा क्यों, के बे भगवान रो नाम लियो हो भाई, तो कहने रो अर्थ ये, अपने ये जिंदगी री अनमोलक समय जा रही है, इस समय ने जुटे वाद विवाद में और जुटी संसारी कोगत में ये अनमोलक समय ने नी खोनी है, परमात्मा रो नाम लेना है, सच्चाई रे मार्ग चलनो है, धन जोबन रो अहंकार नहीं करनो है, अच्छो कर्म कर और अपने ही जीवन में दिव्य बनानो है, यही महापुरुषारी वाणी रो सार है। बहुत सुंदर आज 8 तारीख और इतने दिन रो 6वें रोज री सत्संग जो है, आज सत्संग में पूज्य बाप जी सौंद राम जी महाराज पधारिया, निम्बाज राम द्वारा आप बिराजे, बाप जी महाराज भी अभी अठे चेन्नई कथा चल रही है, आप सबरी हार्दिक भावना देख और महाराज श्री भी अपने निमंत्रण दे।